गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज तारीख है 11 मई, दिन शनिवार, और इस समय हम खड़े हुए हैं रामनगर स्टेशन पर। यह है रामनगर स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और आज अपनी जर्नी होने वाली है 05:43 रामनगर ऐशबाग समर स्पेशल से, रामनगर से मोहिबुल्लापुर स्टेशन तक। अपना क्लास है आज 3rd AC का, कोच है B1, जो कि मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। इसमें आज अपनी जर्नी होने वाली है। आसमान में आज बादल लगे हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ से इसके चलने का समय है 9 बजे सुबह के, और अभी लगभग आधा घंटा है ट्रेन को चलने में। तो अभी कोच के अंदर भी चलते हैं, आपको अंदर से इसका छोटा सा एक इंटीरियर दिखाते हैं। और उससे पहले जब ये ट्रेन लगाई जा रही थी यहाँ पर शंटिंग करके, उसकी झलक देखिए। साथ ही साथ रामनगर आगरा फोर्ट से चलकर जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन आती है उसका अराइवल देखिए, और उसके बाद ये जर्नी व्लॉग मेरे साथ एंजॉय करिए। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत सी यात्रा। ये है रामनगर स्टेशन का बाहर का एरिया, सर्कुलेटिंग एरिया। जगह जगह पानी जो भरा हुआ आपको दिख रहा है, रात भर यहाँ पर बहुत बारिश हुई है पहाड़ों में, और यहाँ से पहाड़ बिल्कुल पीछे नज़र आते हैं। और इधर ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, रामनगर स्टेशन को भी थोड़ा डेवलप किया जा रहा है, आगे भविष्य में यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी यहाँ पर। तो ये रामनगर स्टेशन की मुख्य बिल्डिंग है, बाहर पत्थर वाली टाइल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, जैसा आप देख सकते हैं। इधर कंस्ट्रक्शन का सामान भी सब, अभी बजरी वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई है। हमारी ट्रेन संख्या 05:43 रामनगर ऐशबाग समर स्पेशल फेयर एक्सप्रेस जो है शंटिंग करके देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाई जा रही है। बादल लगे हुए हैं आसमान में, धूप इस समय बिल्कुल नदारद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रामनगर स्टेशन का साइन बोर्ड हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि संस्कृत राज्य भाषा है उत्तराखंड राज्य की। नैनीताल ज़िले में आता है रामनगर स्टेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ICF रेक में हमारी ये ट्रेन है, जिसका रेक शेयरिंग रामनगर चंडीगढ़ लालकुआ आनंद विहार के साथ है। सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को सुबह 9 बजे रामनगर से ऐशबाग जंक्शन के लिए ये ट्रेन रवाना होती है, खुलती है, और शाम को 7 बजे के आसपास ये आपको ऐशबाग जंक्शन पहुंचाती है। तो ट्रेन फिलहाल हम लोगों की लगाई जा रही है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। और इसी में आज अपनी यात्रा होगी, जर्नी होगी रामनगर से मोहिबुल्लापुर तक। ये हमारा लोको आ गया, तो ट्रेन शंटिंग करके लगाई जा रही है इस समय 1 नंबर प्लेटफॉर्म। आगरा फोर्ट से चलकर रामनगर आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइव कर रही है यहाँ पर। आसमान में आज बादल बहुत लगे हैं,
इसलिए थोड़ा लाइट उतनी शार्प नहीं आ रही है। ICF रेक से ये ट्रेन संचालित होती है। रामनगर चंडीगढ़ लाल कुआं आनंद विहार के साथ रेक शेयरिंग है। समर स्पेशल के रूप में सप्ताह में दो दिन शुक्रवार शनिवार ये ट्रेन चलाई गई है। ये अपनी कोच है B1। तो अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं आपको इसका एक इंटीरियर। कोच का इंटीरियर कुछ इस तरह का है कि अब हर बर्थ के करीब आप देख सकते हैं कि ट्रेन की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं इस प्रकार से। और ये अपना थर्ड AC का कोच है, अपनी मिडिल बर्थ है, लेकिन हर बर्थ के पास आप देखिए यहाँ पर ट्रेन की पोस्टर्स लगे हुए हैं। और बेडिंग इधर हमारे सब मिल गई हम लोगों को, काफ़ी साफ सुथरा कोच है। तो रामनगर स्टेशन से अब अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है और इसका अगला स्टॉप काशीपुर जंक्शन होगा। तो ट्रेन पिरुमदारा और गौशाला हॉल्ट के बाद अब पहुंच गई है काशीपुर जंक्शन पर। यहां पर ये आप देख सकते हैं परगामी सेतु बना हुआ है। यहां पर पहले लेवल क्रॉसिंग हुआ करती थी, काफ़ी समय हो गया, तो लेवल क्रॉसिंग अब बंद कर दी गई है। और इसी प्रकार की जितनी भी व्यस्त लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पर रेलवे इसी प्रकार के जो पुल है ROB वो बनवा रहा है। ये देखिए काशीपुर जंक्शन का साइन बोर्ड आ गया, ट्रेन हम लोगों की पहुँच गई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। यहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, पीछे आप देखिए काशीपुर जंक्शन पर भी निर्माण कार्य चल रहा है।
तो बरेली सिटी रामनगर मेमू ट्रेन देखिए जा रही है अब काशीपुर जंक्शन की दिशा में। यहाँ से ट्रेन हम लोगों की अगले स्टॉप लालकुआं जंक्शन की तरफ चल रही है। यहाँ से कूलर बहुत
हुआ करें कि यहाँ पर खड़ा हुआ है। देखिए ये सुपर फास्ट वाली ट्रेन है वीकली हावड़ा लाल कुआं। यहाँ लोको रिवर्सल होगा और ट्रेन फिर इस ट्रैक पर पीलीभीत की दिशा में जाएगी। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये पीलीभीत से आ रहा है, इधर हमारा लालकुआं से ट्रैक आ रहा है और इसीलिए भोजीपुरा जंक्शन है। यहाँ पर दो तरफ से ट्रैक्स आकर के मिलते हैं।
जंक्शन आ गया है। ये ट्रैक चला जाएगा टनकपुर की दिशा में यहाँ से बाएं हाथ पर, और सीधा ट्रैक अब हम लोगों का जा रहा है मैलानी की दिशा में। ट्रेन हम लोगों की अब पीलीभीत मैलानी सेक्शन पर चल रही है। इधर भी WG-12 लोकोमोटिव खड़ा है, देखिए जो हमारी गुड साइडिंग है पीलीभीत की वो टनकपुर की दिशा में बनाई गई है। वहाँ पर WG-12 खड़ा है लोकोमोटिव फ्रेट के साथ, और यहाँ से राइट में एक ट्रैक चला जाता है शाहजहाँपुर की दिशा में, और ये जो ट्रैक सीधा जा रहा है अब जिस पर हमारी ट्रेन चल रही है ये शाहगढ़ तक। अभी पीलीभीत शाहगढ़ में स्पेशल ट्रेन्स का संचालन हो रहा है इस सेक्शन से, लेकिन रेगुलर ट्रेन्स अभी नहीं चल रही हैं, उनका अभी इंतज़ार है कब शुरू होंगी। दाएँ हाथ का ट्रैक जा रहा है शाहजहाँपुर को। अभी हमने आपको एक ट्रैक दिखाया था जो टनकपुर जा रहा था, ये भोपतपुर होता हुआ बीसलपुर निगोही के रास्ते शाहजहाँपुर चला जाएगा ट्रैक सामने वाला, और हम लोगों की ट्रेन अब चल रही है मैलानी की दिशा में।
पीलीभीत एसपी यहाँ पर बनाया गया था। जब इसका निर्माण चल रहा था तो मैंने सारे वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो बना दी है, ट्रेन से ट्रेवल पर आप देख सकते हैं जाकर के, पीलीभीत शाहगढ़ गेज कन्वर्जन में। ये सड़ा पुल आ गया या संडा ब्रिज। संदई हॉल्ट, छोटी लाइन आ रही है नानपारा जंक्शन की दिशा से। सामने मीटर गेज का ट्रैक है जो पुलिया आप देख रहे हैं, इस पर नानपारा से मैलानी के बीच हीरा पलिया होते हुए दुधवा के रास्ते तिकोनिया होते नानपारा जंक्शन तक ट्रेन का संचालन हो रहा है छोटी लाइन पर। ये मीटर गेज है इधर और ट्रेन हम लोगों की अब पहुंच रही है मैलानी जंक्शन पर। ये मीटर गेज है, आप देख सकते हैं छोटी लाइन की पटरियां यहां पर आपको बिछी दिख रही होंगी। इधर मीटर गेज का ट्रैक,
ट्रेन का अगला पड़ाव आ रहा है मैलानी जंक्शन। यहाँ से एक मीटर गेज की पटरी जाती है नानपरा और एक ब्रॉड गेज हमारी लाइन जा रही है पीलीभीत की दिशा में, तो इसलिए मैलानी जंक्शन है। जिसके बाद बाकेगंज स्टेशन पड़ता है, जंगल आएगा बीच में, उसके बाद ट्रेन का अगला पड़ाव होगा गोला स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन जा रही है हम लोगों की। मीटर गेज की यहाँ पर मेंटेनेंस होती है कोचेस की, जो डिब्बे हैं रख रखाव का ट्रेन्स का मैलानी जंक्शन पर किया जाता है। मैलानी जंक्शन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर रामनगर ऐशबाग पहुंचते हुए इधर मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस खड़ी हुई है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, पानी वगैरह भरा जा रहा है कोच में। लखीमपुर आ गए हम लोग, लखीमपुर।
तो हम लोग पहुंच गए हैं मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर और ट्रेन अब जा रही है अपने अंतिम स्टेशन पर ऐशबाग जंक्शन की दिशा में। तो यहीं पर हम लोग अपनी यात्रा एंड करते हैं और साथ में एक छोटा सा डिपार्चर का व्यू देखिए रामनगर ऐशबाग स्पेशल का। उम्मीद है कि जर्नी ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। Thank you.